माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने बयान देकर यूसीसी का किया समर्थन, यूसीसी को देश के लिए बताया जरूरी। बोली, विपक्ष का काम सिर्फ सरकार के अच्छे कामों का विरोध करना है। कहा, गरीबों के लिए अवतार के रूप में पैदा हुए हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी और सीएम योगी के कार्यों से देश में राम राज्य। प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने के लिए दो टूक बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि विपक्ष चाहे कितना भी विरोध करे, लेकिन देश के लिए एक देश एक कानून बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तरक्की के लिए कानून बनाया गया है, इसको हम लागू करेंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक मतलब समान नागरिक संहिता का मामला है, ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से ये लागू नहीं हो पाया, लेकिन अब होना जरूरी है और होना भी चाहिए। ये विभिन्न प्रकार के जातियाँ, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के वर्ग, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय अपने अपना अलग अलग जो है मामला रखते हैं, जिससे समाज में मतभेद पैदा होता है और समाज हमारा विघटित होता है, कुरीतियाँ फैलती हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में जाता है। तो ये समान नागरिक संहिता होने से सभी धर्मों का एक सभी धर्मों को एक आधार मिलेगा। एक ही प्रकार की विवाह की नीति होगी, एक ही प्रकार की बच्चों के जन्म की नीति होगी, एक ही प्रकार से उनकी शिक्षा होगी। जितने भी रीति रिवाज हैं, जो भी परंपराएं हैं, वो सब एक ही प्रकार से होंगी, जिससे हमारे समाज में समानता आएगी और समाज हमारा आगे बढ़ेगा। एक जैसे कानून को लेकर के देश में इस कानून को काफी तारीफ हो रही है, लेकिन विपक्ष इसको सियासी मुद्दा बना रहा है, धर्म और मजहब पर हमला बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? विपक्ष तो हर अच्छे काम को मुद्दा बनाता है, वो चाहता ही नहीं है कि कोई भी काम देश में अच्छा हो। विपक्ष का काम तो अपनी बात करना है कि वो विरोध करेगा, वो अपनी भूमिका में पूर्ण रूप से आगे रहता है।